भारत ने अपने स्वदेशी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। डीआरडीओ ने फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की सफल टेस्टिंग की है और यह सिस्टम लंबी दूरी से आ रही दुश्मन की मिसाइल्स को आसमान में ही मार सकता है। इसमें एक मिसाइल होती है। परीक्षण की तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त, क्योंकि हजारों किलोमीटर की रफ्तार से आ रही मिसाइल को दूसरी मिसाइल से मार कर गिराना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। दुनिया में अमेरिका, रूस और इसराइल जैसे कुछ ही देश ऐसा कर पाए हैं और भारत भी इस श्रेणी में, इस एलीट श्रेणी में अब पहुंच चुका है। इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण और ये तस्वीरें आप देखिए। की ओर से किया गया है भारतीय सेना की ताकत में एक और इजाफा। डीआरडीओ ने पहले पृथ्वी 2 मिसाइल दागी और फिर इंटरसेप्टर मिसाइल भी दागी। फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम तैयार कर लिया गया है। ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से यह शानदार परीक्षण किया गया है और इसी के साथ डीआरडीओ ने एक नया कीर्तिमान रच दिया है। बैलिस्टिक मिसाइल के इस परीक्षण के साथ ही डीआरडीओ ने एक और नया इतिहास रचा है। दुश्मन मिसाइल जो है उस पर किस तरीके से ये कारगर साबित हो सकता है, एक सफल परीक्षण इंटरसेप्टर मिसाइल का डीआरडीओ ने कर दिखाया। स्वदेशी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण और ये तस्वीरें डीआरडीओ की क्षमता को बयां करती हैं। किस तरह से एक सफल परीक्षण के जरिए एक मजबूत ताकत हासिल की गई है। किसी भी हमले की स्थिति में स्वदेशी डिफेंस मिसाइल सिस्टम भारत के पास मौजूद रहेगा। हालांकि भारत ने रूस से S-400 जैसी जबरदस्त डिफेंस सिस्टम को लिया है और S-500 बनाने को लेकर के भी बातचीत चल रही है, लेकिन इन सब के बीच डीआरडीओ ने स्वदेशी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया है और ये फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की सफल टेस्टिंग निश्चित तौर पर भारत के रक्षा क्षेत्र में एक बड़ी कामयाबी है। तो ओडिशा का अब्दुल कलाम द्वीप, जहां से तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, यहां से ये सफल परीक्षण किया गया है डीआरडीओ द्वारा।